नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आपका स्वागत है एजुकेशन फॉर यू में। फ्रेंड्स, आप लोगों के काफी कमेंट्स यहाँ मुझे देखने को मिले लाइव क्लासेस में भी जो रात 9 बजे होती है कि सर मैथ्स का कुछ कीजिए, मैथ्स का कुछ कीजिए। तो फाइनली मैंने मैथ्स की वीडियो स्टार्ट कर दी है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं गणित की शिक्षण विधियां। इस तरह की जो YouTube में आपको बहुत कम दिखाई देगा गणित के लिए शिक्षण वीडियो का वीडियो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप सीटेट यूपी टेट या किसी भी टेट या संविदा शाला शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी में बना चुका हूँ आपका बाल विकास का मॉक टेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ हूँ और अनअकैडमी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर में, ऐप डाउनलोड करना है और मेरी दी हुई लिंक में क्लिक करना है और वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री और उन कोर्सेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज हमने यहाँ पे लिया है आगमन विधि। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार सुना होगा क्वेश्चनों में आगमन और जो निगमन विधि होती है, इन दोनों विधियों के बारे में आपने सुना होगा। तो आज हम ये जानेंगे और सारे जो फैक्ट है उसे हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं आगमन विधि है क्या। तो देखिए, ये विधि सभी तरह की शिक्षण में यूज होता है पर जो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो गणित शिक्षण के लिए हम पढ़ेंगे। तो आगमन विधि अगर हम देखें तो गणित शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधि है। इस विधि में होता क्या है, बच्चों को पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद नियम का ज्ञान कराया जाता है, या हम कह सकते हैं उसके बाद बच्चों को नियम बताए जाते हैं। आगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से किसी समान नियम को समझाया जाता है या किसी समान नियम को निकलाया जाता है। इस विधि के बारे में किसने बताया था, ये लैंडल ने कहा है, जब कभी हम बालकों के सम्मुख बहुत से तथ्य या उदाहरण या वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं, या हम कह सकते हैं इनका कहना है कि आप जब बच्चों को उदाहरण देंगे या उन्हें कुछ वस्तुएं आप दिखाएंगे, ऐसा अगर आप करते हैं तो फिर इनके स्वयं के निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं और उन उदाहरण देने के बाद, वस्तु दिखाने के बाद बच्चा जो होता है क्या करता है, निष्कर्ष निकालने की कोशिश में लग जाता है, प्रयत्न करता है। और जब हम शिक्षण की जो प्रणाली है, जो विधि है, इसे हम आगमन प्रणाली का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लेना चाहिए, जो आगमन विधि है आपकी, इसमें पहले आपको उदाहरण मिलेगा। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट यूपी टेट अदर टेट में पूछा जा चुका है, बताना चाहूंगा आपको, नोट डाउन कर लेना। आगमन विधि में पहले उदाहरण पूछे जाएंगे, उसके बाद आपको नियम बताए जाएंगे। और इस विधि के बारे में किसने बताया, यहाँ पर जो लैंडल है इन्होंने बताया हुआ है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि पहले आपको बच्चों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे और उन्हें निष्कर्ष निकालने होंगे, या हमें उनके थ्रू ही निष्कर्ष निकलवाने होंगे। तो इस तरह की जो विधि है उस विधि का नाम क्या है, आगमन प्रणाली, या हम कह सकते हैं इसे विधि। तो ये आगे हम चले यहाँ पर, तो ये गणित पैडागॉजी का वीडियो, पहले आपको ये बात बता दूं मैं, और अनअकैडमी में मॉक टेस्ट जरूर देखें आप, क्योंकि हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए यहाँ पे जो आगमन विधि है, जब अध्यापक प्रयोग करते हैं तो यह छात्रों के नियम, सिद्धांत, परिभाषाओं और परिकल्पनाओं करने की कोशिश करते हैं। और यह विधि जो है, ये समानता, इसके कुछ सूत्र हैं। ठीक है, क्या सूत्र है, देखिए, ये विधि जो है आपको पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाएगी। ध्यान रखना है यहाँ पे, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाएगी। पहले आपको उन चीजों का यहाँ पे जिक्र होगा जो आपको ज्ञात है, और फिर उन चीजों की तरफ आपको लेके जाएंगे जिन चीजों के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। दूसरा पॉइंट हम चले तो विशिष्ट से समान की ओर, पहले आपको यहाँ पे विशिष्ट चीजें बताई जाती है और फिर आपको यहाँ पे समान चीजों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो ये होता है विशिष्ट से समान की ओर। यहाँ हम चले स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से तीनों के तीनों नोट डाउन करेंगे आप, कॉपी और पेन ले लीजिए, कि आगमन विधि में क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे, आपको याद होना चाहिए आगमन विधि में क्या हो रहा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाया जा रहा है। आगे हम चले तो विशिष्ट से समान की ओर बताया जा रहा है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नोट डाउन करेंगे तीनों पॉइंट और एकदम रट लीजिए इसको, क्योंकि हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये। ठीक है, आगे हम यहाँ पे चले तो आगमन विधि को निम्न पद का प्रयोग जो है एक अध्यापक
करता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले वो उदाहरण का प्रस्तुतिकरण करता है, उदाहरण देता है बच्चों को, उसके बाद निरीक्षण का कार्य करता है, और फिर सामान्यीकरण करता है, और उसके बाद सत्यापन भी करता है कि क्या ये विधि ने कहीं तक काम किया भी है या नहीं। देखिए, इस विधि के कुछ गुण हैं आगमन विधि के, उन गुणों को भी हम देखेंगे यहाँ पे। ये वीडियो बहुत ही डिस्क्रिप्शन वाला है, बता दूं आपको मैं, सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे आपके। और रात 9 बजे सभी लोग मिल रहे हैं मुझे लाइव क्लासेस में, रात 9 बजे डेली होती है लाइव क्लास वो, और वहां पे मजा बहुत आता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तो जल्दी से आप लोग रात 9 बजे मुझे मिलेंगे आज की आज। इस विधि द्वारा बालक स्वयं परिश्रम करके नवीन नियम खोज करता है, और ये ज्ञान जो होता है स्थायी होता है। देखिए क्या होता है, बालक को इसमें परिश्रम करना पड़ता है, साथ साथ में क्या होता है, कुछ उसे अपना तार्किक ढंग से चिंतन करना होता है, तब वह क्या होता है, उस ज्ञान प्राप्त होता है। और इस तरह का जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा, स्थायी होगा। अगर आप यहाँ देखें, दूसरी इस विधि में छात्र मनोवैज्ञानिक ढंग अपनाकर ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्कुल, इस विधि का जो प्राप्त ज्ञान होता है उसमें छात्र जो होता है आत्मनिर्भर होता है और आत्मविश्वासी भी बनता है, क्योंकि इस विधि में उसने परिश्रम किया है, उसे सिर्फ उदाहरण मिला था, उस उदाहरण के बारे में उन्होंने सोचा, जाना, समझा है ना, और उस नियमों की खोज की, और उसके बाद उसका उन्होंने समाधान प्राप्त किया, या उस नियमों की सहायता से उन्होंने जो भी सीखा, तो इस सीखने में कहीं ना कहीं उसको परिश्रम करना पड़ता है, नवीन खोज करना पड़ता है, और साथ ही साथ उसे कुछ ऐसी मतलब अनुसंधान भी करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो विधि है ये अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करती है। और इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होने के कारण जो विषय होता है ये रुचिकार भी हो जाता है, क्योंकि बच्चा खुद से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, तो ये जो शिक्षण का कार्य है इसमें रुचिकार भी ये हो जाता है। आगे हम देखें तो इस विधि के कुछ दोष भी हैं आगमन विधि के। ज्ञान अर्जन करने में क्या होता है, ये बहुत धीमी प्रक्रिया है और इसमें काफी समय लग जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें निष्कर्ष निकालेगा, खोज करेगा है ना, समझेगा, तो काफी समय लग जाता है इसमें। और जिस वजह से क्या होता है, इस विधि का अगर हम सहारा लेंगे तो हमारा पाठ्यक्रम भी वह पूरा नहीं हो पाएगा। और इसके बाद हम देखें तो अध्यापक जो है उसकी इतनी अहम भूमिका इसमें नहीं होती है, अध्यापक थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि उदाहरण बताने के बाद जो होता है बच्चा खुद से सारे कार्य करता है, थोड़ा बहुत गाइडेंस दे सकता है बस। तो यहाँ पर अध्यापक जो है वो कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे हम चले, सभी विषय एवं विषय वस्तु नहीं पढ़ाई जा सकती है, आप उदाहरण की सहायता से या इस विधि की सहायता से पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते हैं, ये कहीं तक एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी सारी आपके पास जो विधि के बारे में मैंने आपको बताया, आगमन विधि। तो देखिए यहाँ पे आगमन विधि से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, मैं ये आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए आगमन विधि में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि क्या कौन सी ऐसी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताए जाते हैं। तो ये है आपकी आगमन विधि, पहला बन गया यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका कि ये विधि के बारे में किसने सबसे पहले बताया था, तो ये बताया था किसने, लैंडल जी ने बताया हुआ था। तीसरा हम क्वेश्चन जाएंगे तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, कौन सी विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर आप जाते हैं, तो वो है आगमन विधि। किस विधि में विशिष्ट से समान की ओर जाते हैं, तो वो भी कौन सी है, आगमन विधि। किस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर सीखा जाता है, तो वो भी है आगमन विधि। तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में, और गणित पैडागॉजी के ये वीडियोस हैं। और इसमें अगर आप जाएं तो कौन सी ऐसी विधि है जिसमें बच्चा जो है आत्मनिर्भर बन जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आत्मविश्वासी बनता है भाषा शिक्षण या गणित शिक्षण की विधि में, तो वो है आगमन विधि। अब ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है, किस विधि में बालक नवीन खोजों से सीखता है, या स्थायी ज्ञान किस में प्राप्त होता है। दो ऑप्शन आपको दे देगा, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि। तो आप यहाँ पर किस विधि में जाएंगे, ज्ञान स्थायी किस में प्राप्त हो रहा है आपको, आगमन विधि में। निगमन विधि में ज्ञान स्थायी प्राप्त नहीं होता, उसका हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, जो निगमन विधि है। आगे हम चलें तो इस विधि के देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी विधि आप कह सकते हैं जो ज्ञान अर्जन के लिए बहुत धीमी प्रक्रिया है, तो इसका क्वेश्चन भी बनेगा, तो वो कौन सा होगा, आगमन विधि का।
अब यहाँ पे कंपैरिजन कई बार दे देता है कि कौन सी विधि में आपको समय ज्यादा लगने वाला है, तो वो भी किस में लगेगा, आगमन विधि में। चलिए यहाँ पे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ जो है निगमन विधि। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जैसा भी लगा हो आपको, सॉरी क्या, आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहूंगा, अगर आप पूरी कर पाए तो प्लीज इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, जो भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो थैंक यू सो मच, और आप हमारी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा डेफिनेटली। देखता हूँ कितने लोग आजकल सेल्फिश नहीं हैं और कितने लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं और मेरी मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार अनअकैडमी जरूर विजिट करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको चाहिए फ्री PDF तो आप टेलीग्राम का ऐप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का ऐप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है फ्री में PDF। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।